हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लिब्रा राइटर और एमएस वर्ड में कॉम्परिजन करके हम देखेंगे। और कॉम्परिजन क्या करेंगे, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमने कर रखा है। अगर मैं इसे सेव करने के लिए जाता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक किया हमने ऑफिस बटन पर और यहाँ पर सेव करने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स तो जरूर मिलते हैं, लेकिन ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड टेम्पलेट है, वर्ड से रिलेटेड फॉर्मेट है। और यहाँ पर अदर फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये कौन कौन से फॉर्मेट है। ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट है और तमाम इस तरह के फॉर्मेट मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पीडीएफ का फॉर्मेट नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ का फॉर्मेट नहीं है। तो अगर हम लिब्रा राइटर यूज करते हैं तो इससे ज्यादा बेहतर, क्यों? यहाँ पर देखिए लिब्रा राइटर भी ओपन कर रखा है और यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करा रखा है हमने। कलर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर जा करके, और ये ब्लैक रख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमने कलर लिया हुआ है। अब इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें कहाँ जाना है, देखिए यहाँ से फाइल पे जाके हम वहां पर प्रिंट करते थे, ठीक है, अब फाइल पे जाकर के भी प्रिंट कर सकते हैं। व्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और ओ बटन प्रेस करना है, या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसे जूम भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर जाकर के जूम करिए, ये इस तरह से प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब प्रीव्यू हम क्लोज करते हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्टली टू पीडीएफ करते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू को क्लोज कर दिया। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, तो यहाँ पर क्लिक करता हूं और जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूं। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, और यहां पर जाकर के यहां पर मैं करता हूं TTT TTT के नाम से इसे सेव कर रहा हूं और डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। तो ये हमने सेव कर दिया और यहां से इसे क्लोज कर दिया और इसे मिनिमाइज कर दिया। ट्रिपल टी के नाम से इसे हमने सेव किया था, तो यहां पर देख सकते हैं ये सेव होकर आया है, ये देखिए ट्रिपल टी के नाम से। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं, ठीक रहा है, तो ये देख सकते हैं ये पीडीएफ में ओपन हो चुका है। यहां पर कहीं भी अगर क्लिक करता हूं तो हम एडिट इसमें नहीं कर पाएंगे, ये देखिए यहां पर एडिट मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है, यहां पे एडिट मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये देखिए कॉपी कर सकता हूं लेकिन यहां पर एडिट नहीं कर पाऊंगा, पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। इसका एक और तरीका है जानने का, यहां पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद विंडो ओपन हुई है, यहां पर प्रॉपर्टीज पे जाना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं और प्रॉपर्टीज पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ब्राउजर है हमारा, और ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट यहां पे क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इट मींस कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह की कुछ बेहतरीन सुविधाएं मिल जाती है हमें लिब्रा राइटर में, ठीक है। तो कुछ मामलों में लिब्रा राइटर ज्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।